हेलो गाइज, वेलकम टू पोलो मोटर्स। मेरा नाम है प्रथम चौरसे और मैं फिर आ गया एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइज, आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ पीटीपी गार्डन, जो लोकेटेड है मलाबार हिल मुंबई। एंड हमने, आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा बाइक पार्क कर दिया है। एंड यहाँ पर गार्डन के आसपास कहीं पार्किंग नहीं है, तो ये ऊपर चढ़ के आया एंड आगे तक पूरा घूम के आया, बट पार्किंग मुझे यहाँ मिली है। एंड मुझे डाउट है, यहाँ पर पार्किंग है नहीं है, तो बहुत डाइसी सीन्स है। ये चेक करो आप लोग गाइज, ये कार अटक गई है। ये चढ़ान इतनी ऊंची है कि ये प्रॉब्लम आती ही है। एंड कुछ नहीं, अभी बाइक पार्क कर दी, अभी जाते हैं अंदर गार्डन के साथ। तो गाइज, अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा जल्दी आ गए। गार्डन 3 बजे खुलने वाला है एंड 5 मिनट के लिए बाहर रुका के रखा है एंड इतनी बारिश आ गई है, अभी ऑप्शन नहीं है, 5 मिनट रुकते बाहर एंड फिर अंदर जाएंगे। सो गाइज, फाइनली हम लोग गार्डन के अंदर आ चुके हैं एंड थोड़ा बहुत पानी भर गया है, तो काफ़ी सारा मिट्टी वगैरह हो गया, बट यहाँ से एक अच्छा पाथ बना के दिया है ये लोग ने, जहाँ से जा सकते हैं। एंड अच्छा बड़ा जगह है, मैं मेजरली यहाँ आया इसलिए हूँ ताकि मैं आप लोग को समुंदर दिखा सकूँ। यहाँ पर एक वॉक है साइड में, वहाँ से चलते हुए हमें डायरेक्ट समुंदर दिखता है। एंड बारिश कम आवे तो अच्छा है, ये ज़्यादा आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लॉग बने या नहीं। ऑलरेडी पूरा गार्डन खाली हुआ पड़ा है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। यहाँ सुबह सुबह हो गया, अर्ली मॉर्निंग यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, बट मैं तो काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। तो की जरूरत पड़ी गई एंड अभी जाते हैं यहाँ से। एंड गाइज, आईफोन लेने का पूरा फायदा उठा रहा हूँ मैं, अच्छी खासी जोर की बारिश आ रही है एंड मैं ब्लॉग बना रहा हूँ इसमें। एनीवेज, कुछ था नहीं करने के लिए तो मैं बोले यही पार्क आ जाता हूँ घूमने को, एंड इधर आते ही बारिश चालू हो गई। सुबह से अभी तक बारिश नहीं थी, बट ऑल ऑफ अ सडन जैसे गार्डन में एंटर होने का टाइम आया, बारिश आ गई। एंड ये वो चीज़ है मैं जिसके बारे में बता रहा था आप लोग को। तो गाइस, ये चेक करो। सो आई नो आवाज़ थोड़ी कम आ रही रहेगी क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा है एंड बारिश भी है, तो थोड़ा फ़ोन ढक के रखना पड़ रहा है, बट ये लोकेशन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ देख सकते हो सारा का सारा पीछे समुंदर है एंड अभी तो पार्क पूरा खाली है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ये सब कुछ। एंड गाइज, इधर बाइक्स अलाउड नहीं है, वरना यहाँ पर जो सिनेमैटिक वीडियो बनता था मेरे बाइक का, बहुत नेक्स्ट लेवल बनता था, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है, पीछे का सब फॉगी लग रहा है बारिश की वजह से एंड समुंदर की आवाज़ वगैरह सब अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ बाइक ला नहीं सकते। जो लोग मुंबई में रहते हैं उन लोग के लिए ये जगह काफ़ी नॉर्मल है आने जाने के लिए, बट अगर तुम कहीं बाहर से दूर से आ रहे हो तो यहाँ घूम के जाना ज़रूर, भले बारिश का मौसम रहे नहीं रहे, बट पानी यहाँ से कहीं जाने वाला है नहीं एंड जो वाइब है वो एज इट इज़ ही रहेगी। लुक एट मी। सो गाइज, यहाँ पर ये मैराथन वाला ट्रैक भी है एंड ये सारे वो जंप्स के चीज़ें जो रहते हैं वो सब पड़े, तो यहाँ होती है मैराथन की रेस वगैरह भी होती है। हम तो यहाँ मुश्किल से चलते हैं, बाइक वाले लोग हैं तो क्या, हम लोग को ये सब के बारे में नहीं मालूम। बेस्ट पार्ट इसका ये पानी है एंड दूसरा ये जिन लोगों को नीड रहेगा उन लोग के लिए ये अच्छा पार्ट रहेगा, एंड वहाँ बैठने की जगह है एंड ओवरऑल ग्रीनरी है उसके पीछे, तो वहाँ पर जाके भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ ये गार्डन के ग्रीन पार्ट में, मतलब मैं इसे ग्रीन पार्ट बुलाता हूँ क्योंकि यहाँ ओवरऑल हर जगह ग्रीनरी है एंड
यहाँ मोस्टली लोग आगे से बैठा करते हैं, बारिश के मौसम में कोई यूजुअली आता नहीं है यहाँ बैठने को, क्योंकि गंदी हो जाएगी कपड़े वपड़े, तो जब सूखा रहता है वो टाइम पे ये पूरा जगह भरा हुआ रहता है, लोग आते हैं, बच्चे खेलते हैं, सब अपना अपना कार्यक्रम सबका चालू रहता है, एंड मैं तो यूजुअली आता नहीं हूँ यहाँ पर, आज मैं आ गया आप सबको दिखाने के लिए। तो ये है, इतना भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब वहाँ तक वो कॉर्नर तक है, एंड फिर बाद में बाकी उस साइड से वही हमारा पानी का जो भी है वो वहाँ पर है, तो ऐसे चल के मैं यहाँ आया। सो गाइस, यहाँ पर एक किड सेक्शन भी है, यहाँ ये देख सकते हो आप लोग, बच्चे लोग के खेलने का छोटा सा पार्क है, तो गार्डन के अंदर गार्डन है, एंड इधर गार्डन एंड होता है, ये गार्डन का राइट साइड है एंड वो गार्डन का लेफ्ट साइड है, वो उतना दूर है, एंड यहाँ पे और एक गेट है ये गार्डन में अंदर आने के लिए, बट मैं यूजुअली वो साइड से आता हूँ वो गेट से, क्योंकि हमें वहाँ से वहाँ जाने पास में पड़ता है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही था ये छोटा सा गार्डन, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।